नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मई रविवार सुबह 9 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। अलवर के टहला पुलिस थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे समस्त पूछताछ की जा रही है, उसके बाद कड़ी से कड़ी का मिलान किया जाएगा। टोंक में कर्फ्यू से अब कुछ राहत मिलेगी। प्रशासन ने रविवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक छूट देने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बाजारों में दुकानें खोली जा सकेंगी। दुकानदार इस समय के दौरान ही दुकानें खोल पाएंगे। दुकानें खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, वही मास्क भी लगाना अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि सोशल डिस्टेंस के चलते दुकानदारों को कारोबार करना होगा। सवाईमाधोपुर के मल्लारना डूंगर थाना क्षेत्र के दुनाइचा गांव में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने दुनाइचा निवासी इम्तियाज के खिलाफ पिलवा नदी स्थित जबरन घर से पुत्री को उठाकर दनोचा गांव के पास ले जाकर बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक रगेश कुमार राजोरा को सौंपी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित किशोरी के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 15 मई की रात नाबालिग पुत्री घर में सो रही थी। रात 11 बजे आरोपी घर में घुसकर पुत्री को साथ ले गया। दो बाइकों में हुई जबरदस्त भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना बूंदी के केशवराय पाटन में हुई। यहां कोटा दोसा मेगा हाईवे पर दो बाइकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद बाइक सवार घायल को राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यह दुर्घटना गणेश फाटक के समीप पेट्रोल पंप के पास हुई। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से फलों का राजा आम भी इन दिनों आम आदमी की पहुँच से दूर है। महामारी के इस दौर में ठंडे आमरस का स्वाद फीका हो गया है। मंडियों के अलावा अन्य बाजार, सुपरमार्केट, मोहल्लों में ठेलों पर आम की कई किस्मों की खुशबू महक भी गायब है। राजधानी के फल विक्रेताओं के मुताबिक लॉकडाउन होने से कई राज्यों से आम नहीं आ रहे हैं। मुंबई और आसपास की जगहों की बजाय इस बार दक्षिण भारत में हैदराबाद, बेंगलुरु सहित अन्य जगहों से फसल आ रही है। मई में जहां आम की तमाम किस्में बाजार में उपलब्ध हो जाती थी, इस बार सफेदा और बादामी आम ही बाजार में पहुँच पाया है। बाड़मेर के बालोतरा के पचपदरा मिडवे जरीफ डाक बंगले में आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से सोफे, कुर्सियां, एसी सहित काफी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण संभवतः बिजली शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अजमेर के बयावर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव के बदबू मारने से पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। राजस्थान में धौलपुर जिले के पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने नई पहल कर सराहनीय और उल्लेखनीय सेवाओं में बेहतर कार्य करने जिले के 4 जवानों को सेवा पदक से प्रस्ताव भेजे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार हेड कॉन्स्टेबल सत्यपाल सिंह MOB शाखा का नाम अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 3 पुलिसकर्मियों, सहायक उप निरीक्षक जानकी नंदन प्रभारी टाउन, हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार शर्मा व हेड कॉन्स्टेबल मुकेश कुमार डिस्ट्रिक्ट के नाम उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए प्रस्ताव कर महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर को भिजवाए हैं। 3 पुलिसकर्मियों का नाम राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए भिजवाए गए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.